क्या लगता है आपको मैम? आपको पता लग जाएगा। ओके थैंक यू। अरे हाँ पीछे हाँ हाँ इधर ही हूँ मैं। देखो रोशन मोबाइल डाल रहा है तू। अरे आगे मत जाओ यार। अरे यार इधर ही है। मैम रिधिमा जी रिधिमा जी रिधिमा रिधिमा मैम किसको सपोर्ट करने आए थे? आपके हिसाब से आपके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि निशान का दिव्या में से बाय मैडम। अच्छा जी ये खोलो ना थोड़ा खोलो ना कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गाड़ी रोको लग जाएगा यार गिर जाओगी। अरे गाड़ी रोको ना गिर जाओगे। मोबाइल अंदर चला जाएगा पंकज। आराम से चोट लगेगी। पंकज कहाँ गए? अरे पंकज मेरे कैमरे का है। अरे क्या रोशन छोड़ ना रोशन छोड़ अभी ले ले। अरे हाथ है भाई एक मिनट सर कैसा था एक्सपीरियंस? आपने सब आपको सपोर्ट किए थे भाई। हाय सर सर आपको परफॉर्मेंस अच्छा था। कैसे हो आप? सबके दिल में छा गए भाई। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट।
हाँ सर आज आपको तो बहुत बड़े फैन पहले से ही। अरे हो जाए भाई आज तो मिलेंगे ब्रो कड़क कड़क मेरा भाई राइट पे सेंटर भाई सेंटर किसान भाई थैंक यू सर जी साथ में ये ना ये जरा साइड ला सके जरा साइड ला क्योंकि इधर से रुकियो स्टार्ट भैया सेंटर राइट मोटर से चलो क्या मैम सेंटर फैंटास्टिक ऑन ओटीटी वाज करण जौहर कि उन्होंने जिस तरह इस पूरे शो को संभाला है क्योंकि हम तो जानते ही है कि बिग बॉस यू नो सलमान खान सलमान भाई किस तरह करते हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी एक अलग पहचान मुझे लगा कि करण जौहर ने इसमें की है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एंड ऑल्सो क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें लाइव दिखाना 24/7 एक नया तरीका है एंड कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर पुलिंग दिस ऑफ आई थिंक अभी ये खत्म हो चुका है तो मतलब एक खुशी तो मैं पहले महसूस करूँ फिर दूसरी खुशी की और तो मैं क्या करूँ क्या मतलब क्या होने वाला है अभी वो देखो ना सर अभी सब इधर बताऊंगा आप विनर को मुझे आई वॉन्ट दिव्या अग्रवाल शुड विन बिकॉज वो मेरी फेवरेट रही है शी हैज प्लेड लाइक अ वॉरियर टू प्ले द गेम द वे शी प्लेड बहुत गज चाहिए होते हैं यू नीड टू बी वेरी बोल्ड नॉट टू थिंक कि बाहर क्या हो रहा है क्या सोच रहे हैं एंड आई एम श्योर बिग बॉस हाउस में अंदर बहुत सिचुएशन अलग होती होगी यू नो आपका माइंड आपका I don't know what all goes on there inside the house, but Divya Agarwal has played it like a warrior. I have loved her, the way she's played her game, the way she handled herself in the show. अंदर जाकर आई हैं कि कैसा रहा experience और contestants के साथ मिलकर कैसा रहा? Contestants सारे अच्छे हैं सिर्फ झलक मिली है तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगी कि और करण के साथ स्टेज शेयर किया क्या किया कैसा? नहीं किया स्टेज शेयर मैं बस हेलो बोलने गई थी एक फ्रेंड को Nobody invited me here. I have just come here मेरी मर्जी से अच्छा यार ना लेकिन फेवरेट कौन था मेरा फेवरेट जीशान जीशान खान बट दिव्या अग्रवाल एंड मूज जटाना जीशान खान हैव कम आउट आई थिंक दिव्या अग्रवाल जिनकी मैं I like the way she played her game. She's there. So I hope she wins the trophy. Divya trophy jeete lekin kahin na kahin Divya ko kaafi zyada criticize bhi kiya gaya hai ghar ke andar. Jo acha khelte hain unko criticize kiya hi jata hai. When you are the attention of the house, criticism comes with it. So that's okay. TV par bhi aur agar Big Boss mein nahi jao aur agar aap log criticize nahi kare to Big Boss aane koi fayda nahi hai. Aap interested hai yahan pe aur nahi main bas yahan par aayi hu friend se milne. Aap nazar aa sakti hai 15 mein. नहीं मुझे नहीं फोन आया अभी तक करने में दूसरे काम के लिए पर मैं ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा हूं निशा मंडल मोबाइल पे पूरी का ऐसा करूं पर हां भाई क्या लगता है वो आई वांट निशान टू विन मैं चाहता हूं निशान को फ्रेंड एज अ फ्रेंड निशान से मिलने भी गए थे किस तरह से रहा पूरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो आई डोंट नो हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल जो अंदर रहते हैं नीचे वो नीचे Okay. और आपके साथ निशान क्या कहना चाहेंगे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये पहला कोरियोग्राफर है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है
सो हैप्पी। एंड इसी तरीके से आई होप जैसे खतरों के खिलाड़ी में सब डांसर पूरे ऑफिस जाते हैं, बिग बॉस में भी दरवाजा खुल गया सब पूरे ऑफिस। सुनीत अपार्ट फ्रॉम निशांत क्या लगता है और कौन सही जा रहा है और कौन विनर बन सकता है? समिता मेरी दोस्त है, नेहा मेरी दोस्त है, प्रतीक निशांत का दोस्त है, तो इनमें से कोई भी जीते तो अच्छी बात है। और ग्रैंड फिनाले में सुनीत का क्या कुछ रोल है यहाँ पर? नहीं मैं दूसरी मीटिंग के लिए आया यहाँ पर, बट यस निशांत और दिव्या में से कोई भी जीत सकता है। मैंने ऑनेस्टली बहुत ही लिमिटेड फॉलो किया, जितना भी मैंने फॉलो किया उसमें बिकॉज राकू है, राकेश मेरा गुरु है, एंड सो आई फॉलोड इट फ्रॉम हिम फॉर हिम, सो आई थिंक ही इज बीन एक्सट्रीमली डिग्निफाइड। And I wish everybody all the best. एक बार मास्क निकाल दीजिए ना सर, एक बार मास्क निकाल दीजिए। मोबाइल जरा पीछे ले ले। अरे अरे रोशन ले थोड़ा। बस भाई एकदम सामने। सामने 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 सर इधर। अरे अरे सर जी यहां पर यहां पर। सर राइट। सर भाई रोशन भाई। अरे अरे रोशन भाई। 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 मैं भी यार मैं निशांत को छोड़ने आया था डे वन पे, तो मैं ऑब्वियसली निशांत को सपोर्ट कर रहा हूँ। यस बहुत सारे लोग हैं अंदर जो जिनको मैं जानता हूँ, राख भी है, दिव्या भी है, निशांत भी हैं, सबको जानता हूँ मैं। बट मैं जिसे छोड़ने आया था मैं सोच रहा हूँ कि उसको लेके जाऊंगा ट्रॉफी के साथ। और फिनाले के मौके पर अंदर गए थे, कितना एंजॉय किया आप दोनों ने अंदर और करण सर के साथ स्टेज शेयर किया? ऐसे जाने में मजा आता है, ऐसे आप जाएं थोड़ी देर मस्ती करके आए स्टेज पे खेल कूद के आए। वैसे ये गेम बहुत डिफिकल्ट है, तो आई थिंक जो भी खेलता है उनको हैट्स ऑफ टू द वे दे प्ले द गेम, बट हमें बड़ा मजा आया ऐसे चिल करके थोड़ी देर मस्ती करके नाच गाना करके वापस आए। कभी सोचा है बिग बॉस हाउस के अंदर है? हां सोचते बहुत हैं, जाते नहीं हम तो क्यों नहीं सोचा हमने बहुत, हमको घर के बाहर अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया लगता है हमें, हमारा घर है हमारे पास, आपको घर में अच्छा लगता है ना, हमको घर के बाहर भी अच्छा लगता है। बट आपके फैंस जो है वो आपको एज अ रियल पर्सनालिटी जानना चाहेंगे। आपको सच्ची में लगता है? आपको सच्ची में लगता है भाई की अगली फिल्म आ रही है, भाई की अगली फिल्म में इसके फैंस इसको देखेंगे, मेरा ऑडिबल पर रिलीज हुआ दोस्तों प्लीज देखो प्लीज। और हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर ना कैमरे के सामने कोई भी रियल नहीं रह सकता, आप घर पे कैमरे के साथ रहते हो नहीं रहते। सो आई थिंक इट्स जस्ट आई थिंक यार इट्स आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग टू गो इनसाइड, बट आई थिंक टिल द टाइम यू डोंट फील द नीड टू गो इनसाइड यू शुडंट। ओके लास्टली कौन जीतेगा क्या लगता है? I think I feel either निशांत और दिव्या में से कोई जीत सकता है। मेरा भी यही गट फीलिंग कह रहा है मेरे को, मैं पता है मेरा गट फीलिंग है दिव्या जीतेगी, बट मैं चाहता हूँ कि निशांत जीते। चलिए थैंक यू गाइस।